छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संतोषी नगर स्थित कर्मा धाम में सामाजिक समरसता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य आसंदी पर सारस्वत अध्यक्ष गुरुदेव धर्मेंद्र साहिब जी, कबीर आश्रम प्रयागराज, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर घनाराम साहू व इंजीनियर टीकाराम साहू की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। समारोह के संयोजक डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस, अध्यक्ष समाज गौरव विकास समिति ने बताया कि सामाजिक समरसता सम्मान समारोह का यह 10वां आयोजन है। समिति के द्वारा समारोह में विभिन्न क्षेत्र के 42 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। साथ ही इस बार 20 वर्षों से कार्यरत 2 समिति का भी सम्मान किया गया। आज इस मंच पर सामाजिक समरसता सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने लीक से हट करके जो काम किया है वे सभी प्रशंसनीय अनुकरणीय है। कहा भी गया है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले एक कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले सायर सिंह सपूत। जिन लोगों ने लीक से हट करके काम किया और समाज को कुछ दिया, उन सब के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोगों को और बाकी लोगों के लिए प्रेरणा लेने का आवश्यकता है कि कैसे हम अपने जीवन निर्वाह करते हुए समाज को कुछ दें, ताकि हम समाज जो पा रहे हैं उचित का प्रतिदान समाज को कर सकें। इतना मुझे इस सामाजिक समरसता सम्मान समारोह में जो हुआ है इसके संबंध में कहना है कि ताकि हम लोगों को इतना अधिक से अधिक दे सकें कि लोगों का जीवन खुशहाल बने और उन्हें अच्छी एक प्रेरणा प्राप्त हो। समाज गौरव प्रकाशन के प्रकाशक श्रीमती उमा साहू की सामाजिक अभिनंदनावली का अतिथियों के कर कमलों से विमोचन किया गया। समारोह में पंडित घनश्याम प्रसाद साहू की साप्ताहिक अखबार छत्तीसगढ़ संदेश के विशेष अंक व पत्रिका का भी विमोचन किया गया। देखिए, ये विभिन्न विधाओं के साथ समाज के अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वालों को एक मंच पर एकत्र करने का ये बहुत सुंदर प्रयास है और इस प्रयास का सुफल निश्चित है और मिलते भी रहा है। उद्देश्य समाज के सभी लोगों को एकजुट करना है और सद्भावना के साथ में कार्य करने का है। अब वो स्वयं समाज को मैसेज दे रहे हैं, इसी बात के लिए तो उन्हें सम्मानित किया गया है। अब ये है कि सब अलग अलग विधाओं में मैसेज दे रहे थे, आज उन सब का एकत्रीकरण हो गया है और एक समन्वित मैसेज समाज में जाएगा। इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? भाई, स्वाभाविक है कि जब अपने सामने प्रतिभाओं को देखते हैं और लोगों को लगता है कि इन्होंने जो काम किया है वह हम भी कर सकते हैं, तो एक प्रेरणा इससे ग्रहण करते हैं और इसका सफल भी रहता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और छत्तीसगढ़ की उन चुनी हुई विशिष्ट प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान किया जाता है। पिछले 10 वर्षों से ये क्रम चल रहा है और इस संस्था के संचालक डॉक्टर सुखदेव राम साहू जी का ये प्रयास बहुत ही अभिनंदनीय है, वंदनीय है, और ये प्रयास लगातार जारी रहे और आने वाली पीढ़ी इस क्रम को आगे बढ़ाए, यही हम आने वाली पीढ़ी से अपेक्षा करते हैं। समाज में जो भी प्रतिभाएं हैं उनको खोज करके, ढूंढ करके उनको सम्मानित करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ऐसा करके हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज में अधिक से अधिक लोग इस संबंध में जागरूक हो करके जो निचले स्तर से अपना सोपान एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें और जिससे और नए नए प्रतिभाएं सामने आए उभर करके। आपका पूरा नाम बताएं? मेरा नाम लाला राम साहू है। असीम सम्मान समारोह प्रतिभाओं का होता है, वो प्रतिभा जो लीक से हटकर होता है। सामान्य प्रतिभा तो मौलिक रहते ही है, सब में प्राप्त है, लेकिन लीक करके और समाज हित में होता है उन्हीं का सम्मान किया जाता है, भले वो प्रारंभिक बिंदु होंगे और अपन उम्मीद करते हैं कि वो धीरे धीरे करके उस सर्वोच्च बिंदु तक वो जाएंगे। लेकिन ऐसा कार्य जो समाज हित में भी हो, व्यक्तिगत तो रहेगा ही लेकिन समाज हित में भी होना चाहिए और थोड़ा सा अलग थलग होना चाहिए, अलग हटकर होना चाहिए, तभी तो सम्मान ही होगा। सब लोग काम करते हैं, वैसे सभी लोग काम करते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष ऐसी प्रतिभाओं का चयन किया जाता है जो सामान्य से हट करके और कम संसाधन से, कम संसाधन होते हुए भी अच्छे होते जाते हैं। कौशल तो सब में है और कौशलों का जो व्यवस्थित विकास करते हैं, समाज हित को ध्यान में रखते हैं, उन्हीं का सम्मान किया जाता है। ये हमारा 10वां कार्यक्रम है।
और अगला कार्यक्रम भी तय है, अभनपुर में हम कार्यक्रम लेंगे 11वां कार्यक्रम, और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये निरंतर चलते रहें, है ना। सामान्यतः किसी का आर्थिक सहायता इसमें नहीं लेते, लेकिन ऐसा सहयोग तो लेंगे ही ना, जैसे मंच हमको आज यहाँ मिल गया वैसे इस प्रकार सहयोग मिलते रहता है, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। नहीं, असल में विचार तो ये होता है कि देखिए प्रतिभा में थोड़ा सा अंकुरण आता है, कोई भी प्रतिभा यदि उसमें थोड़ा सा अंकुरित हो जाएगा, और मान लो उसको थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा चमचम खाद दे दो, तो उसका परिणाम क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए इस समारोह में जो सर्वोच्च बिंदु पहुंच गए हैं वो आमंत्रित नहीं होते, वो तो है ही है, वो तो और विशाल वृक्ष बनेंगे, छायादार बनेंगे, लेकिन जो पल्लवन में आने वाला है अंकुरण से रखकर, उनको यदि थोड़ा सा दो तो उससे क्या होगा, वो समाज हित में और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। मैं सामान्यतः शिक्षक तो हूँ, लेकिन मूलतः सामाजिक कार्य ही करते रहता हूँ, अभी भी करते रहता हूँ, उम्र के इस पड़ाव में भी करते हूँ। मैं ये संकल्पित हूँ कि इस प्रकार से निरंतर काम करते रहूँगा जब तक ईश्वर साथ दे, इसलिए क्रम व्यवस्थित रहते हैं और अगले क्रम भी निरंतर रहेगा। इसमें अनुभव तो खैर अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 14 विषयों पर केंद्रित होता है, यानी 14 प्रकार के लोग गुणित 3 ऐसा होता है, और सभी समाज को जोड़ते हैं। मैं सिर्फ ये मैंने महसूस किया कि उनको यदि सम्मान देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम योग्य हैं, तो ये जो बिंदु उनके पास आता है, मैंने ऐसे भी देखा है जो ये बिंदु प्राप्त किया वो निरंतर और आगे बढ़ गया। मैंने अपन ये मानते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि मैं भी सम्मान के योग्य हूँ, लेकिन लीक से हटकर जब मैंने काम किया तब, और इसलिए मैं संकल्पित हुआ कि यदि ऐसे प्रतिभाओं को थोड़ा सा भी अपना अवसर दें, थोड़ा सा भी सम्मान करें, तो आगे बढ़ेंगे, और यही उम्मीद रहती। ऐसे साहित्यकार को मैं जानता हूँ जिनकी एक पुस्तक था सम्मानित हुआ, आज 5-5 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई, तो उसके पीछे यही तो बात रही होगी, वो उनके लिए स्वयं प्रेरित हुए और आगे बढ़ गए, तो इसलिए निरंतर गतिमान रहे ये अपन संकल्पित रहे। नहीं, उनका यही है कि सम्मान आपको प्राप्त हो गया, और अपने जीवन में आप भी दूसरों को सम्मानित कीजिए, जहाँ से हो ढूंढिए। मैंने आपको ढूंढा, मैं व्यक्तिगत नहीं कह, क्योंकि मेरे सूत्र रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके आधार पर ढूंढ के निकाला, तो आपको जब ढूंढ के मैं निकाला, तो आप भी ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढिए जिनको सम्मान मिलना ही चाहिए, और संकल्पित हो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने कहा था आज मेरा यहाँ सम्मान हो रहा है, वो स्वयं अभावग्रस्त होते हुए कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, तो वो ये संकल्पित हुए हैं कि मैं अभावग्रस्त होकर के किसी के अनुदान से, किसी के सहयोग से वो प्रोफेसर तक पहुँचे हैं, लेकिन अपने क्लास में अच्छे नंबर आते धीरे, तो वो ये चाहते हैं कोई अभावग्रस्त यदि कोई बालक आता है तो उनका शोध निर्देशन मैच करूँगा, उनको पैसा भी दूँगा, ये तो वो प्रेरित हो गया। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ, लेकिन आप भी ऐसे जो अवसर हैं उनको सम्मानित कीजिए, ताकि वो आगे बढ़े। अंतः कार्य किसका होगा, समाज का होगा, मुख्य लक्ष्य केवल समाज, और इससे समाज में कोई एक व्यक्ति विशेष, मेरे ही समाज ऐसे न, सभी समाज होते हैं, इसलिए इसका नाम सामाजिक समरसता सम्मान होता है, प्रतिभा का सम्मान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।